हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दी माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का ये व्लॉग डेली लाइफ व्लॉग है और आज मेरी बच्ची प्रगति का ये बैग का चेन ख़राब हो गया, तो मैं अपने ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास में राजू भाई की दुकान है, बैग का पूरा काम करते हैं, तो इनकी दुकान पर आया हूँ, इनसे ये इसकी बैग की चेन सही करवाएंगे। राजू भाई ये बच्ची का बैग है और ये हो गई चेन ख़राब, तो ये करनी है आपको सही। तो दोस्तों हम राजू भाई से बैग की चेन सही करवाएँगे और अभी फटाफट से हमको चेन को सही करके देंगे। तो यार मैं बताऊं दोस्तों, तो ये यार शहरी भाषा बोलते बोलते ना ऐसा लगता है कि यार बुंदेलखंडी अपनी कहीं मातृभाषा छूटती जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ बुंदेलखंडी में ब्लॉग बनाना शुरू करूँ। बाकी आपकी क्या राय है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बुंदेलखंडी में ब्लॉग चाहिए या शहरी भाषा में ब्लॉग चाहिए। हो रही हमारे बच्चे के बैग की रिपेयरिंग, चैन लग रही है, राजू भाई चैन लगा रहे हैं। देखिए कैसे लगती है चैन, साइड से काट दिया जाता है, उसके बाद चैन का ये क्या बोलते हैं राजू भाई, रनक, थोड़ा तेज बोलिए, रनक को यहाँ लगा दिया जाता है, देखिए। और इसके बाद इसको ऐसे चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद टूट गई है, दूसरा पीस लगाएंगे राजू भाई। देखो दोस्तों जे लग गई है रनक और प्लास से इसको सेट कर दिया और अब जे चढ़ाएगी इस तरह से ऊपर, देखिए अभी चैन सेट हो जाएगी तो उसके बाद सही काम करना शुरू कर देगी। अभी प्लास से और दबाएँगे तो ये सही पकड़ कर लेगी, तो उसके बाद चढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों सही हो गई और राजू भाई चैन को चढ़ा के दिखा रहे हैं किस तरह से काम कर रही है। देखिए दोस्तों ये हमारा बच्ची का बैग तैयार हो गया चैन लग करके। राजू भाई कितने पैसे देने हैं? ₹10 में चैन लग गई हमारी। और अभी बस कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि आज चंद्र ग्रहण। लो राजू भाई, राजू भाई को ₹10 का पेमेंट कर दिया है चैन का, चैन ₹10 में लग गई है। और दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने गाँव की चौपाटी की तरफ, यानी खाने पीने की चीज़ें मिलती है, कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि शाम को चंद्र ग्रहण लगना है, तो उसके बाद फिर सीधा कले हुए हो भैया, काहे कि चंद्र ग्रहण जो है शाम तक रहना है 7-7:30 बजे तक, तो उस हिसाब से भैया कले हुएगा, तो हम अपन कछु खा पी लेते हैं, है नहीं। तो भैया जे हमारे गांव की चौपाटी देख रहे हो, ठेले ठेला लगे हैं, जो खाने हो खाओ मज़े से, और मज़े को कछु नहीं है, पेटीज में लेगी और रोल पेटीज मिले, फिंगर मिले, और जो महाराज की दावेली मिले, आलू टिक्की मिले और मोमोज वगैरह मिलेंगे, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, फास्ट फूड वगैरह। हमारे चलंद भाई मिल गए हरदई वाले, ये हमारे छोटे भाई हैं, बराता है हमारे, तो दावेली खा रहे थे तो बोले आओ दावेली खा जाता, हमने कि चलो दावेली जी पार्टी हो जावे आज, तो महाराज ने दावेली तैयार कर दी है, ये रखी है खिला दो महाराज दावेली। अब महाराज लगा रहा है अपने दावेली, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है वीडियो बन रहा है महाराज। तो भैया सब कुछ चला रहा है, मोमोज है, फिंगर है, रोल है, बोले कह रहा है, बोले तुम मेन्यू बताओ कहाँ चाहिए, तो अपन ने दावेली ले लिया, दावेली को मजा लेते हैं फिर वीडियो में आगे मिलाते हैं। तो आ जाओ भज्जा हो, दावेली को मजा उड़ जाए तुम्हारे संग है और हमारे सैलन भज्जा संग है। महाराज को ठहराया और दावेली मिलाते हैं, स्पाइसी है, हाँ मज़ा आओ, मैंने भैया आगे वीडियो में जो कुछ कह रहे हैं दिखाएँ। तो सैलन भाई कैसी लगी दावेली महाराज की? बहुत एक नंबर लगी, बहुत अच्छा मतलब टेस्ट रहा उसमें, मैं तो पहली बार खाई अकेले, बहुत दिल छू लिया। तो भज्जा हो सालों आ रहा है और महाराज के ठेला पे आया दावेली खावे, तो स्वास्थ्य कानूनी लियो, हम जो स्वास्थ्य रिकमेंड नहीं कर रहे खावे का। देखो जे है असली मजा, अगर दावेली खा रहे तो महाराज से कही हो तो लाल वाली चटनी ढक के रखिए, कहीं माछी आते हैं, लेकिन अगर लाल वाली की चटनी के संग लेगे तो भाई साहब जो क्या होगा मज़ा आएगा महाराज, यार गजब यार मज़ा आएगा, दीवाने हो गए हम जाके, सही कह रहा है, बहुत अच्छी चटनी है। बोलो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी भी चाहिए, कहाँ की चटनी की? चटनी की, हाँ, तो हम बनाएंगे उस टाइम, तो हम उनको कॉल करके बताएंगे, हाँ। तो इसकी रेसिपी बकायदा आपको यूट्यूब पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, और अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना, हाँ। अगर रेसिपी चाहिए हो भज्जा तो कमेंट कर दियो, चटनी यार बहुत गजब है, मज़ा आएगा सही में, झूठी तारीफ नहीं कर रहे, चटनी बहुत गजब है। हम पहली बार जब दावेली खाए थे महाराज की ठेले की, तो यही चटनी टेस्ट करी थी, लेकिन आज महाराज ने स्वाद दे दी, तो हमने इनसे कहा वो चटनी खिलाओ यार, उस दिन खिलाई थी, तो महाराज ने कहा जे रखी है ये वाली चटनी है, तो इन्होंने कहा बोले हम रेसिपी भी शेयर करेंगे, तो हमने कि ये पहले दर्शकों को बताओ वो कमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको चाहिए कि नहीं, आपको चाहिए हो रेसिपी तो कमेंट करो वीडियो में। बाकी दोस्तों हम आपको बैक कैमरे से चौपाटी के दर्शन करा रहे हैं, देख लो जी है ठेला पेटीज को महाराज को पंडित जी चाट भंडार, तो यहाँ से हम रोज़ पेटीज खाते हैं, 20 रुपये जी पेटीज गर्मा गर्म मिल जाते हैं, इतने सुनील भाई भी है जी पेटी रखे गर्मा गर्म, और ये हमारे प्रजापति भैया, इनकी देखो टिक्की करारी करारी, जाओ कहो पीने तो आ जाओ सालन में, और शटर पियो 10 की 6, क्या बोलो जल्दी, 10 की 6 जो कहो पीने तो चले आओ सालन में, 10 की 6 करारी करारी पानी की टिक्की, अब हम पी ले और आपको वीडियो में दिखाया, पीने हो तो आ जाओ हमारे सालन में।
देखो जे पकड़े ताजी ताजी करारी करारी टिक्की अपन भी है, भैया को नंबर लगाओ तो भैया यहाँ पर खत्म कर रहे हैं टिक्की, अब अपन भी करेंगे। ले बज्जा हमारा धोना दे दे, जो आगा अपना धोना और अब टिक्की पिया करारी करारी। देखो ये प्याज डर गई, नहीं प्याज नहीं दो, आलू मटर दे दो, प्याज हम कम खाते हैं तो आलू मटर लेंगे बस। देखो जी आ गई मटर प्याज, ये बन गया अपना भाई साहब वो पेस्ट टिक्की को, और अब आएगी टिक्की जी आ गई अपनी। देखो करारी टिक्की टिक्की पी लेते हैं, उसके बाद आप सब जन इनसे वीडियो में आगे मिलाते हैं। तो बच जाओ टिक्की को तो मजा ले लो, पैसा दे देते हैं 10 रुपया ही 6 में लगाई और एक सूखी भी मिल गई। मीठी चाहो तो मीठी, नमक की चाहो तो नमक की, बाकी ठेला तो यार दो तरफ लगे हैं, जा तरफ अपने धर्मू भाई को ठेला लगाओ टिक्की को, इतना भी पीने हो तो इतना भी पी सकते, उतना ही पीने हो तो उतना भी पी सकते, इतना पीने हो तो इतना ही पी लो, जो कहते जो कछु खाना हो जितना खाना हो तो खाओ पियो। बाकी बच जाओ ग्रहण शुरू होने से पहले कर लीजिए पेट पूजा बढ़िया घर की तरफ, और आराम से शांति से 2 घंटा घर बितरिए, बाकी बात आगे शाम का देखें क्या होता है। तो बच्चा अभी आ गए हम अपने गांव के बाज़ार में जी, हमारे गांव का बाज़ार है देख लो जी, लगी दुकान है और जो है बच्चा वो देशराज की दुकान, जहाँ पर होता है सवेरे सवेरे नाश्ता गर्मा गर्म समोसा जलेबी रायते सब्जी के संग है। अभी आए हैं शाम के तो जे बन रहे हैं लड्डू और जे बेटे गोलू भैया, और ताज़ा ताज़ा लड्डू बन रहा है तो खावे का मन होगा यार, 2 लड्डू खवा दो, क्या क्या दे रहा है 2 फिर हमें 10 के 2 लड्डू मिल रहा है भैया, 2 लड्डू खा लेंगे बाकी घर चलिए। और जे बैठे हैं ओनर भाई साहब देशराज प्रजापति जो गुनगुन मिष्ठान भंडार के, तो बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, नाश्ता मिलता है, जो भी मन हो खाओ पियो और मौज करो, है क्या नहीं। तो गोलू बना रहा ताजे ताजे लड्डू लिया धर दो, देख लो ताजे ताजे एकदम 2 लड्डुओं का मजा लिए और फिर घर की तरफ बढ़ी है। अब देशराज भैया कह रहा है कि शिवानी की भाषा में आ गए, शिवानी कुमारी ब्लॉगिंग में बहुत छाई हुई है, तो हमने कि भैया जैसो देश वैसो भेस अपनी गाँव की भाषा में बोलने लगी। अब भाई कहता हूँ जाते हैं तो शहरी भाषा अपना लियो, और नहीं आ तो गांव की बुंदेलखंडी में चलन दो वीडियो ब्लॉगिंग, है क्या नहीं। तो भैया ये ताजे ताजे लड्डू हैं, इनका पहले मज़ा लेते हैं। तो भैया ये ताजे ताजे लड्डू और इनको लेते हैं मज़ा, मज़ा आ रहा था भाई, सही गया आप भी आ खा लो ना, खाओ मज़ा लियो, है क्या नहीं, चलो मिला था भैया देशराज के ताजे ताजे लड्डू, इनको मज़ा ले लो। देशराज बैठे इनको पैसा दे देंगे, 10 रुपया 2 है 10 को दे दो। अब चलिए भैया वो अपने घर की तरफ, अपने काम ख़त्म हुआ है, गाड़ी रखी है साइड में, स्टार्ट करिए वो बढ़िया पे घर की तरफ। देख लो बच जाओ जी बैठे हमें गांव के बिजू से बिजू हो कह रहे हो, खान दबरा रोटी खाया क्या नहीं, ठोके पेलिया शाम तक लागे क्या नहीं। देख लो बच्चा ये तो ठोक गया, तुमने ठोकी क्या नहीं, ठोक लियो भैया रोटी खान दबरा, अबे 5:30 से दबे 6:30 तक खिलाने। तो भैया रोटी पानी खा पी लियो और फिर घंटा डेढ़ घंटा आराम करो, बाकी जो करने तो काम करो, अपन तो ठोके आए अपनी गांव की चौपाटी पे जाके माल पानी। देखो भैया जी आ गया पुष्पेंद्र भाई, यहाँ मैं देखी कि वीडियो बन रहा हूँ, हाल की हाल देखो बड़े पापा ठाड़े मोटरसाइकिल पे बोरी लाए, तो चक्के एकदम आ गए हमारी कहाँ चूक जाए, हमारी कहाँ चूक जाए। तो जो पुष्पेंद्र है हमारा, और इसने बहुत साथ दिया पंडोकर वीडियो में, तो पुष्पेंद्र का जितना धन्यवाद करा जाए, इसी के सपोर्ट और हमारे जीतू भाई के सपोर्ट के वजह से अपना चैनल मोनेटाइज हुआ और अब बुंदेलखंडी भाषा में आप सभी को ब्लॉग वीडियो मिला करेंगे। देखो पुष्पेंद्र भाई है, एक लाफ्टर वाला व्यक्ति भी है, हंसाता है दोस्तों को, ठीक है। संतरी जे यहाँ खड़े हो रहा है, खड़े हो रहा है तो हम कह हाँ हाँ जाओ, एक सुंदर कन्या को बुलाया जाए उसका नेत्र बनाए, प्रभात भाई जे कहते बाकी सब धाम संख है, और यहाँ चल रही है मस्ती गाँव में बैठे बैठे मोहल्ला में, और जामा क्या ले आओ भैया पुष्पेंद्र, समोसे तो खबर जाओ ना ले आओ, नहीं सब खा लो, खबाओ नहीं लो समोसा आ गए, बंद कर लो फिर तुम नहीं, देखो भूख लग रही है समोसा काऊ को नहीं खवाए, दिखा के चलो वीडियो में, आ देखो फिर से लौट आओ ईमानदारी से, ठीक है लूट लो खा पी लो, समोसा की लूट हो गई है ईमानदारी से, नहीं देखो रायता भी है तो एक समोसा जीत नहीं ले लो, प्रसाद बट रहा समोसा को, समोसा को प्रसाद बट रहा बबलू को दे दो, लाखपति देखो प्रसाद बटगा समोसा को, जीतू ने बांट रहा सबको प्रसाद, एक बच्चों से पुष्पेंद्र खे। तो भैया देखो ये कहीं समोसा में जो है समोसा पार्टी हो गई है, केक जैसा बटगा समोसा,
तो जो सब मस्ती चलत रहे गाँव की बैठे बैठे की मस्ती है। तो भैया जो वीडियो यूट्यूब पर जाए कौन समस्या तो नहीं है, नहीं है। तो चली जाए, चली जाए तो ठीक है भैया। देखो जी रॉकेट, अब रॉकेट गल्ला है, रॉकेट और पटाखों के साथ मस्ती हो रही है। जीतू ले जा रहा है रॉकेट और अभी देखो दिशा बनेगी। देखो हाथ में लेके गल्ला होया हुआ, हाथ में आप गलत का नहीं गया। देखो भैया और जे लग रही है आग, भग जाओ। देखो ना छूट जाए कदम गुज्जा का उगे, और जो लग गए जो लग गई रॉकेट में आग भैया हो, और जो चलोगा ऊपर रॉकेट। देखो हमारे गालियों का तरीका समझाने, और जो थैलियों भरे पटाखे दिवाली के पटाखे, इनको मजा लो जा रहा है गाँव में बैठ के। एक और है, अब एक और रॉकेट दगेगा और चांद पे जाकर गलेगा। देखो एक और जे लग गई आग, और जे छुटका हो यही कांगो जाको नहीं परो पतो कित कोंगा जो तो एकदम जादू होगा। देखो भैया खतरा तो है थेरो करवे में, अगर लेट होगा तो ये अनार में आग। देखो दिन में दिवाली मना रहा भैया, जो हाल है। और आ हा 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 हा, देख लो भाई, देख लो देख लो, एक और देख लो देख लो देख लो, हाथ में लेके और जो अनार। अरे भैया ये गांव की मस्ती में जाके ही चलते रहेंगे, टाइम पास के लिए कुछ नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। देख लो डब्बे में रॉकेट धर के और लगा दी है आग। देखो जाओ देखो उधर। बाकी सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही व्लॉग वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे इंटरेस्टिंग ऐसे ही व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।